आप सब लोगों को जानकारी दे दूं कि हम लोग परीक्षा के स्टेज पर हम किसी भी अभ्यर्थी का की पात्रता या उसकी पात्रता नहीं है इसकी जांच नहीं करते हैं। स्वघोषणा आधारित वो जो भी अपना तथ्य आवेदन में दिए हैं हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से हम उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देते हैं, एडमिट कार्ड इशू करते हैं और एक बार जब उनको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में क्या कुछ बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा जो कि आपने सुना, वही चीज यहां पर आपको लिखी भी देखने को मिलेगी। तो इनके द्वारा यही कहा गया कि परीक्षा के वक्त हम अभ्यर्थी की पात्रता की जांच नहीं करते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं तो नीचे आपको टिक लगाना होता है ना कि मैं अपनी तरफ से स्व प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा भरी गई सारी जो प्रविष्टियां हैं वो सत्य हैं, और उसको जो हम जांच एक्चुअल में करते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय करते हैं। मतलब अभी आप पेपर दे लीजिए, बाकी हम डिसाइड करेंगे कि पेपर आप अभी दे लीजिए, अभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हम वहां पर योग्यता की जांच जो है वो करेंगे, ये चीज इनके द्वारा क्लियर कही गई है। दूसरी चीज निगेटिव मार्किंग, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि निगेटिव मार्किंग अब नहीं होगी, वो भी हम जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं आपको एक वीडियो के माध्यम से। और इसके अलावा इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया उसकी बात भी इस वीडियो में करें, जिसको हम वर्बली आपको बता रहे हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इनका लेंथी है, बड़ा है, तो हम उसको नहीं दिखा रहे हैं। इनके द्वारा ये कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया उसमें जो 45 पेज नंबर था उसके अंतिम पैरा में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं लिया था वो गलत किया था। उसका कारण ये बताया इन्होंने कि उस समय एनसीटीई का जो गाइडलाइंस था वो प्रभावी था, और जब तक गाइडलाइन प्रभावी है तब तक राज्य सरकार को उस चीज को मानना वो राज्य सरकार को जरूरी था। तो इसके संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दोनों के द्वारा ये कहा गया कि राज्य सरकार के द्वारा ये गलत किया गया, उनको उस समय आवेदन लेना चाहिए था बीएड अभ्यर्थियों से भी। और यही सेम बात जो है हमारे मामले, यानी कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनके द्वारा भी कहा गया कि यही सेम चीज हमारे मामले में भी बिहार शिक्षक भर्ती में भी लागू होता है। जिस समय हमने बीएड के लिए, यानी जिस समय शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए थे उस समय बीएड अभ्यर्थी जो है वो पात्र थे और वो योग्य भी थे, इसलिए उनको आवेदन करने का मौका दिया गया और इसलिए उन्होंने आवेदन किया भी। और इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसका हवाला देते हुए इन्होंने ये भी कहा कि जब तक नया निर्णय लागू नहीं हो जाता या भर्ती प्रक्रिया चल रही होती है वो जब तक आपकी पहली अगर उसी से हो चुकी है, जैसे कि अगर यूपी में ही देखेंगे तो शिक्षक भर्ती 69,000 वाली ऑलरेडी उसी पर ही हो चुकी है, तो वो जब तक प्रभावित है तब तक उसे मान्य माना जाता है, इसीलिए 11 तारीख से पहले वो मान्य था, उसी के आधार पर इन्होंने आवेदन लिए हैं। तो उसी को ही इन्होंने कंपैरिजन करते हुए कहा, जिन्होंने नौकरी पा ली है उनका अधिकार भी सुरक्षित है और जिन्होंने एग्जाम में अपियर होने का अधिकार पा लिया है वो भी उनका अधिकार सुरक्षित है। उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बीएड अभ्यर्थी जो है एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन एक चीज उन्होंने ये भी कहा कि ये अधिकार केवल और केवल उनके एग्जाम में अपियर होने तक ही सीमित है, कि वो एग्जाम में अपियर तो हो सकते हैं पर उसके रिजल्ट पर उनका किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं है। आगे जो उन्होंने कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ डायरेक्ट, तो उस चीज को सुनिए। अंकित है कि कोई भी निर्णय एनसीटीई के परामर्श से जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा, क्योंकि हम लोग एनसीटीई से गाइडेड होते हैं और जैसा कि आपने पहले बताया कि पेज 45 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइक में राजस्थान सरकार को भी एनसीटीई के आदेश को मानना चाहिए था, क्योंकि वो समय प्रभावी था और हम लोग भी उसी को मानते हैं और एनसीटी का गाइडलाइन जो भी रहेगा राज्य सरकार का जो भी उस पर जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय वही मानना, ये सबको मानना है। तो इसके संबंध में जब स्थिति आएगी कि परीक्षा फल के संबंध में कि उनकी पात्रता बनती है कि नहीं बनती है, इसके संबंध में जो भी निर्णय होगा वो उस समय उसके परीक्षा फल को प्रभावित करेगा। अब एक जैसा आप कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आ गया, अभी आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी जो चीजें अप्लाई होंगी वो एग्जाम के बाद होंगी, कारण भी आपको समझ में आ चुका होगा क्योंकि पहले भी हम आपको सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं कि क्यों ये एग्जाम में सभी जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा देने का मौका दिया जा रहा है। और एक चीज उन्होंने और भी कही थी कि इनकेस अगर कोई पुनर्विचार याचिका दाखिल होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका एक अटेम्प्ट होगा वो डिसाइड होगा, कि अगर पहले से ये क्लियर है कि आपका पात्र नहीं है तो वहां पर आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, क्योंकि 3 ही अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की इस तरीके से पुनर्विचार याचिका या कोई और संशय की स्थिति होगी उस कंडीशन में जो आपका एक अटेम्प्ट है उसको हम वहां पर ही केवल काउंट नहीं करेंगे, अगर पहले से क्लियर है सारी चीजें तो हम फिर आपका एक अटेम्प्ट काउंट कर लेंगे, ये भी इन्होंने क्लियर किया।
तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, बाकी कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।